हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेज सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, टीक वेल्डिंग की टिप्स और टेक्निक्स के बारे में कुछ वीडियोस हम लोग ने देखे थे। जैसे कि टीक वेल्डिंग में टॉर्च की मूवमेंट के ऊपर ही आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन टीक वेल्डिंग में सिरेमिक नोजल की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, इसके लिए एक सिंपल टेक्निक्स, एक पाइप के यूज से हम लोग देखेंगे कि सिरेमिक नोजल का किस तरह से वीविंग होता है। आप वीडियो में देख रहे हो कि एक पाइप किस तरह से मूव हो रहा है, इसी तरह से सिरेमिक नोजल को आपको टिक की टॉर्च को धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ना है।